नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सबसे बेहद दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। साथियों आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी ने साथियों बात करें एक पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया है। जी हां दोस्तों, परिवार के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। अभी दो मिनट पहले की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो जी हां साथियों, आपको पूरी जानकारी देंगे। निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। साथियों खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर में एक सिपाही का तांडव सामने आया है। जमीन के झगड़े में सिपाही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा है। उसकी अंधाधुंध फायरिंग में तीन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर के खजरी थाना क्षेत्र के मऊ धर्ममंगल गांव में ये वारदात हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जिले के आला पुलिस अफसर पहुंचे हैं। पुलिस के मुताबिक सुलेमान यादव, भोलू यादव और राजधारी यादव को गोली लगी है। गोली चलाने का आरोपी प्रमोद यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। अन्य आरोपी जय गोविंद और भगवान दास भी सरकारी कर्मचारी है। उनके साथ उनका बेटा प्रिंस प्रीतम और शक्ति यादव भी इस घटना में शामिल थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया है, जहां उनकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकान के में छज्जा निकालने के लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। आरोपी प्रमोद यादव फायरिंग करने के बाद फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।